Gulab Study Classes. इस वीडियो में समांतर माध्य का कुछ बेसिक जानकारी लेंगे जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, समांतर माध्य का एक और फार्मूला होता है, समांतर माध्य होता है समेशन सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये समांतर माध्य का एक और फार्मूला है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो देखें, एग्जांपल लिख देता हूँ। तो देखो, समांतर माध्य को समझने के लिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखो, उम्र वर्षों में, यहाँ से 15 से यहाँ पर उम्र वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ये जो अंतराल है, जैसे कि इसमें जो 5 है उसको इसमें निम्न सीमा बोला जाता है, निम्न सीमा, ठीक है। और ये जो 15 है उसे बोला जाता है उच्च सीमा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें यदि देखेंगे तो ये 15 निम्न सीमा कहलाएगा और 25 उच्च सीमा कहलाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें यदि देखेंगे तो 25 निम्न सीमा और 35 उच्च सीमा, इसी प्रकार से इसमें 35 निम्न सीमा और 45 भी उच्च सीमा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मरीजों की संख्या लिख दिया हूँ, 5 लिखा हूँ, 8 लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ और ये 4 लिखा हूँ, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, इसी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तब मध्य बिंदु मिलता है। तो निम्न सीमा 5 है और उच्च सीमा 15 है, इन दोनों को जोड़ दिया हूँ और इससे 2 से भाग दूंगा तो इनको जोड़ने पर यह आ जाएगा 20 बटे 2, अर्थात यह आ जाएगा 10, अर्थात 5 और 15 का मध्य बिंदु आ गया है 10, ठीक है। इसी प्रकार से निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के मध्य बिंदु को निकाला जा सकता है बटे 2। तो इसको हल करेंगे तो ये 40 बटे 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, अर्थात 15 और 25 का मध्य बिंदु 20 आ जाएगा। इसी तरह से देखो, 25 और 35 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसका मध्य बिंदु 30 आ जाएगा और 35 और 45 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो इसका मध्य बिंदु 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मध्य बिंदु है उसको एक सा माना जाता है, ठीक है, मध्य बिंदु को एक सा माना जाता है और मरीज की जो संख्या है उसको एफ माना जाता है। तो जो फार्मूला के आधार पर समेशन एफ एक्स निकालना है, अर्थात इसमें सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे तो एफ मरीजों की संख्या को माने हैं और मध्य बिंदु एक सा होता है, तो एफ एक्स निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का गुणा 5 के साथ तो 50 आ जाएगा, 20 का गुणा 8 के साथ तो ये आ जाएगा 160, 2 का गुणा 30 के साथ तो ये आ जाएगा 60, 4 का गुणा 40 के साथ तो ये आ जाएगा 160, ठीक है। अब इसमें समेशन एफ निकाला जाता है, समेशन सिग्मा मतलब इसका योग, मरीजों की संख्या जितना भी दिया है उनका योग करेंगे तो समेशन एफ निकलेगा और इनको जोड़ने पर आ जाएगा ये 5013 और ये आ जाएगा 19, ठीक है। इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब इसके पश्चात एफ एक्स को जोड़ेंगे अर्थात सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, इनको जोड़ने पर ये आ जाता है 430, ठीक है। अब इसके पश्चात समांतर माध्य निकालेंगे तो समांतर माध्य का फार्मूला लिख देना है, समांतर माध्य बराबर होता है समेशन एफ एक्स अपन समेशन ए। तो समेशन एफ एक्स का मान 430 मिला है और समेशन एफ का मान 19 मिला है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 22.6, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का समांतर माध्य होगा, ठीक है फ्रेंड। इसी के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो
पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें महिला शिक्षकों की संख्या परसेंट में दिया है और राज्यों की संख्या दिया है। इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा दिया गया है और राज्यों की संख्या दिया गया है। इनको बनाते हैं, सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे। तो देखो इस क्वेश्चन का मैंने टेबल बना दिया हूँ। महिला शिक्षकों की संख्या जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया हूँ और राज्यों की संख्या जो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया हूँ। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके दो से भाग दिया जाता है तब मध्य बिंदु निकलता है। तो 15 और 25 को जोड़ करके दो से डिवाइड करेंगे तो इसका मध्य बिंदु 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 25 और 35 का मध्य बिंदु मिलता है 30 और 35 और 45 का मध्य बिंदु मिल जाएगा 40। 45 और 55 का मध्य बिंदु मिलता है 50 और 55 और 65 का मध्य बिंदु मिल जाएगा 60। 65 और 75 का मध्य बिंदु मिलता है 70 और 75 और 85 का मध्य बिंदु मिलता है 80। ठीक है, अब इसके पश्चात राज्यों की संख्या को एक माना जाता है और मध्य बिंदु को एक समाना जाता है। तो राज्यों की संख्या और मध्य बिंदु का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो एफ एक्स मिल गया इसका, तो इसका गुणा करने पर ये आ जाएगा 120। 11 का गुणा 30 के साथ करने पर आ जाता है 330। 7 का गुणा 40 के साथ करने पर आ जाता है 280 और 4 का गुणा 50 के साथ करने पर, फिर 4 का गुणा 50 के साथ किया जाएगा तो ये आ जाएगा 200। इसी प्रकार से इसका बारी बारी से गुणा करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 240। 2 का गुणा 70 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 140 और 1 का गुणा 80 के साथ करेंगे तो आ जाता है 80। ठीक है, अब समांतर माध्य निकालने के लिए हमें एक की ज़रूरत पड़ती है और एफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन मानों को जोड़ लेते हैं, समेशन एफ इक्वल इनको जोड़ने पर यह आ जाता है 35। ठीक है, और इसके पश्चात एफ एक्स को जोड़ेंगे तो इन मानों को जोड़ने पर आ जाएगा 1390। ठीक है, अब इसके पश्चात समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान 1390 है और समेशन एफ का मान दिया है 35। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 39.71%। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, समांतर माध्य। ठीक है, इसी तरह से इस प्रश्नावली में और कुछ क्वेश्चन है जो कि समांतर माध्य का है, ठीक इसी तरह से बनेगा। जैसे कि इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन को तो बना लिया हूँ, ये समांतर माध्य के क्वेश्चन है। इसी तरह से इसमें एक और क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ठीक अभी जस्ट बताया हूँ यह चौथा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, आप लोग इसे बना लेना। फिर हम लोग इस प्रश्नावली का बहुलक और मध्य का अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।